का स्वागत है अर्धकुंवारी मंदिर से। जय माता दी। तो आज की वीडियो में आपको अर्धकुंवारी से लेके नीचे कटरे तक के दर्शन कराए जाएंगे, रास्ते के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी और इसी वीडियो के अंदर ही मैं पूरे दिल्ली तक का इसी में ही कंप्लीट करूंगा। तो बने रहना लास्ट टाइम, लाइक कमेंट शेयर कर देना और अपनी हाजिरी दरबार पे लगाने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना। तो देखिए एक्चुअली मैंने जाने, आपको पता ही, आपने लास्ट व्लॉग अगर देखा होगा तो मैंने जाने से पहले यहाँ से पर्ची ले ली थी। मेरा 283 नंबर था, अभी यहाँ पहुँचाऊँ तो पता चल रहा है अभी 130 नंबर चल रहा है। तो टाइम लग सकता है ज़्यादा, शाम भी हो सकती है या अगला दिन भी हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता मैं घर पूर के दर्शन कर पाऊँगा क्योंकि शाम की ट्रेन है। तो इसके बाद अभी यहाँ पर मंदिर है अर्धकुंवारी मंदिर, तो यहीं पर मंदिर के दर्शन करके आते हैं अंदर से। जय माता दी। तो जी टाइम हो रहा है 12:30 और अभी अर्धकुंवारी पे ही बैठा हुआ हूँ। नंबर क्योंकि आया नहीं है और उम्मीद भी नहीं है, कोशिश कर लिया बट फिर भी अगर माता रानी की अगर उनकी मर्जी होगी तो मुझे गर्भजून के दर्शन जरूर हो जाएंगे। बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ और आपको तब तक थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर आप नए रास्ते से जाना चाहते हैं ना, ऊपर या नीचे, नीचे जाने के लिए ताराकोट बोलते हैं और ऊपर जाने के लिए हिमकोटी बोलते हैं, तो ये गुफा सी बनी हुई है और उस पर लिखा भी हुआ है भवन का रास्ता। तो नए रास्ता दोनों जो ऊपर नीचे जाना है तो वो यहीं से गुफा के अंदर से होता हुआ जाएगा। बाकी जो पुराना रास्ता है जहाँ पर ये सारे ये मैगडी वगैरह, बीकानेर, ये सारे स्टॉल्स हैं ना इतने लाइन से, उधर से ही है सीधा ऊपर। तो यार मैं तो आपको, जैसा कि मैंने ही करा है अपना यात्रा, मैं भी आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा। बाकी आपकी मर्जी है कि आप आए नए रास्ते से और वापसी पुराने रास्ते से उतर सकते हैं, तो वो बेस्ट रहेगा। इससे आपकी हर चीज़ें कवर हो जाएंगी, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। आपने पूरी वीडियो नहीं देखी है स्टार्टिंग से, ज़्यादा नहीं 3-4-5 ही इसके ब्लॉग्स आएंगे छोटे छोटे, तो कंप्लीट देखना। चलिए ओके। तो जी 2:10 है और मैं अब नीचे की तरफ उतर रहा हूँ अर्धकुंवारी से अभी। और ये जो अर्धकुंवारी और इसको गर्भजून गुफा जो बोला जाता है, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर माता रानी ने 9 महीने तक यहाँ तपस्या करी थी। भैरव बाबा से जब वो उनका वो युद्ध होना था एक तरह से, तो वहाँ पर उन्होंने 9 महीने तपस्या करी थी। और जैसे माँ के पेट में बच्चा भी 9 महीने तक रहता है, तो इस वजह से ही उसका नाम गर्भजून गुफा पड़ा था। तो यहाँ जितनी भी शॉप्स है खाने पीने की, वहाँ पर यहाँ के जो रेट फिक्स हो रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग ही सारा सामान मिलता है। और थाली 100 रुपये और एक स्पेशल थाली वो 150 रुपये की है। बाकी डोसा मिल जाता है, मसाला डोसा 55 रुपये का। बाकी आप देख सकते हैं रेट लिस्ट, सब जगह सेम ही प्राइस है। जूस की भी दुकान है यहाँ। तो आपने नए वाले मार्ग की भी वीडियो देखी होगी और अब आप पुराने मार्ग की वीडियो देख रहे हैं। इस वक्त बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और भीड़ भाड़ देखिए कितनी ज़्यादा है। यहाँ वही खच्चर पिट्ठू ये सब चीज़ें चलती रहती हैं और सारी भीड़ भी यहीं रहती है। सिर्फ आपको दिखाने के पर्पज से मैं इस वाले मार्ग से जा रहा हूँ, बाकी वैसे वही वाला मार्ग बहुत बेस्ट रहता है नए वाला। देख रहे हो कितना बड़ा है लंगू। तो जी पुराने मार्ग पर भी घोड़े खच्चर के लिए अलग ही थोड़ा सा ये सेपरेट कर दिया है, बीच बीच में ग्रीले लगी हुई आ रही है। अगर आप नीचे उतर रहे हैं तो आपके लेफ्ट साइड में पड़ेगा ये, और अगर ऊपर चढ़ रहे हैं तो राइट साइड वाला घोड़े खच्चर के लिए है डेडिकेटेड लाइन।
क्योंकि अभी फुल बॉडी मसाज करवा रहा हूँ, काफ़ी रिलीफ मिलता है इससे। तो जी वहाँ से मसाज कराने के बाद मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊँ, तो वहीं से शॉप्स वगैरह ना लगातार स्टार्ट हो गई थी, तो इसका मतलब हम पहुँचने वाले हैं। जब लगातार शॉप्स आने लग जाएं तो समझ जाओ कि आप बाणगंगा के बिल्कुल पास हो। बहुत सारी शॉप हैं यहाँ पर, अपना प्रसाद वगैरह के लिए, खाने पीने की स्टॉल्स बहुत सारी हैं। तो जी मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं चरण पादुका मंदिर के बाहर, और जब हम जा रहे होते हैं अगर यहां से यात्रा कर रहे हैं पुराने मार्ग से, तो बाणगंगा के बाद ये वो स्थान है जहां पर माता के चरणों के निशान अभी तक हैं और काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। तो आगे बढ़ने से पहले दर्शन ज़रूर करके जाइए यहाँ से। तो यहाँ के बारे में इधर बाहर लिखा हुआ है इसका इतिहास। यहाँ माँ शक्ति माता वैष्णो देवी ने पीछे मुड़ के देखा था कि भैरव नाथ आ रहे हैं या नहीं, तो रुकने के कारण इस स्थान पर माता के चरणों के चिन्ह बन गए थे और इस स्थान को चरण पादुका का नाम दिया गया। इस स्थान पर माता टेकने से माँ शक्ति की का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा मनोकामना पूर्ण होती है। जय माता दी। तो थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद एक मंदिर और आया, इच्छापूर्ण माँ भगवती दर्शन, गीता भवन बाणगंगा कटरा। जय माता दी। जय माता। कितने बड़े बड़े पत्ते हैं। तो जी उतरते उतरते 5 बज चुके हैं, अभी बाणगंगा में पहुंचा हूं। अभी यहां थोड़ा सा फ्रेश होऊंगा, स्नान करूंगा और फिर आगे कटरा तक यहां से चलेंगे। और हां जाती वाली ना एक जो साइन बोर्ड वालों का प्रसाद मिलता है वो ऊपर ख़त्म हो गया था, तो वो ना नए वाले रास्ते पे आए, अगर जा सका वहां पर तो वो भी लेना है मुझे। वो बढ़िया मतलब वो ना पंचमेवा वाला प्रसाद है, वो लेके देन फिर आगे कटरा जाऊँगा। तो जी स्नान करके मैं आ चुका हूँ, बड़ा रिफ्रेशिंग लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। और अभी मैं वहाँ पर हूँ जहाँ पर जाती बारी स्नान किया था, वो गणेश जी बने हुए ना। तो जी शाम के 7:15 बज रहे हैं, थोड़ी तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया, डायरेक्ट आपको यहीं का दिखा रहा हूँ। और मैंने लास्ट आपको जो दिखाया था उसके बाद प्रसाद लिया वहाँ से, जो नया वाला रूट मैंने बताया था वहाँ से, देन उसके बाद 3-व्हीलर से मैं कटरा पहुँच गया। वहाँ भैया से मिला अपने, उन्होंने मुझे टिकट का प्रिंट आउट दे दिया और एक कोई भाई साहब उनके जानने वाले आ रहे थे यहीं पास तक, उनकी शॉप है तो उन्होंने वहाँ ड्रॉप कर दिया। मैं सीधा यहाँ आ चुका हूँ और अभी लगभग 35-40 मिनट है ट्रेन चलने में। अंदर अगर अभी मैं गया तो आपको दिखाऊंगा, काफ़ी कुछ है यहाँ पर, लॉन्च वगैरह बहुत अच्छा बना हुआ है अंदर से ये स्टेशन, चलिए देखते हैं। तो जी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पहले से खड़ी है और मुझे जाना है S2 में, और S2 ही है मेरे पीछे, तो अंदर जाते हैं अपनी सीट पर बैठते हैं। ठीक 7:55 अपने निर्धारित समय पर ट्रेन चल चुकी है, सुबह के 6:30 बज रहे हैं और इस वक्त ये सब्जी मंडी दिल्ली का रेलवे स्टेशन से गाड़ी चल पड़ी है,
एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, नहीं तो मैं यहीं उतर जाता, मेरा एक घंटा सेव हो जाता। तो जी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हूँ, इस वक्त 7 बज रहे हैं सुबह के, और जो ट्रेन है उसने 2-3 मिनट पहले ही पहुँचा दिया था टाइम से। तो भाई अभी यहाँ से मेट्रो पकड़ते हैं और अपना घर के लिए निकलते हैं। तो जी आप देख सकते हैं मैं मेट्रो में नहीं हूँ और मैं बस में बैठा हुआ हूँ। और एक्चुअली क्या है ना, मुझे यहाँ से घर तक जाने के लिए 2 बारी मेट्रो चेंज करनी पड़ती है, और कश्मीरी गेट में तो ना बड़ा लंबा पड़ता है, और यहाँ से बस एकदम डायरेक्ट थी, और सुबह का टाइम है ना, ट्रैफिक था, और फटाफट यहाँ से सीधा सीधा रूट है, पहुँच जाएंगे। अभी बस में चेकिंग वाले चढ़े हैं, और भाई मेरे मतलब मैं तो देखो इतनी सस्ती टिकट है यार, उसमें भी क्या करना, तो एक का चलान कट रहा है 200 रुपए का। तो यार वैसे अगर कभी दिल्ली की बस में चढ़ो तो यार बहुत सस्ती टिकट है, 10-15-20 इसमें क्या जाता है, तो भाई टेंशन फ्री होके ट्रैवल करो, क्या दिक्कत है। तो जी 7:45 हो रहे हैं, मतलब आधा घंटा टोटल लगा होगा बस से, और अब यहाँ से रिक्शे से घर जा रहा हूँ, बस पास में है यहाँ से घर। जय माता दी। तो जैसी कि मान्यता है, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद कंजके बिठाई जाती हैं, ये ज़रूरी नहीं है लेकिन अपनी श्रद्धा के ऊपर है। तो कई जने वहीं पर दरबार के वहाँ पर कंजके बिठा लेते हैं, और जिनको जैसी सहूलियत होती है, तो मैंने घर आके कंजके बिठाई है, और ज़्यादा बेटर यही रहता है बिकॉज़ वहाँ पर बहुत भीड़ होती है, और आप यहाँ अपना तसल्ली से घर पे आके कंजके बिठा सकते हैं, और इस तरह से हमारी यात्रा सफल होती है। जय माता दी। Thank you.